नमस्कार, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम करौली में मौजूद है, वहाँ जहाँ पंडित जी के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रतिनिधि मंडल और डीएम के बीच जो बातचीत हुई उसमें कुछ रास्ता निकला है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता करने का भरोसा दिला गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीड़ित परिवार को एक मकान दिया जाएगा। हालांकि नौकरी पर लेकर कोई अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय एसएचओ है तुरंत उसे हटा दिया गया है और अगर लापरवाही पाई जाती है तो उसे बाद में निलंबित किया जाएगा। यानी कई घंटों से चल रही इस मुहिम पर अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने कुछ मांगों को माना है। आपको बता दें कि पंडित जी के देहांत के बाद यहां ग्रामीण समाज ने 5 मांगें सामने रखी थी, जिसमें पहली मांग थी 50 लाख का मुआवजा, दूसरी मांग थी अब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, तीसरी मांग थी कि सरकारी नौकरी दी जाए और चौथी मांग थी कोई आर्थिक मदद या कहें कि जमीन का पट्टा उनके नाम दिया जाए। तो सारे दिन की बातचीत के बाद लगभग दोपहर को 1 बजे डीएम और एसपी का यहां दल पहुंचा था और तब ये तय हुआ कि अब लगातार जो बातचीत चल रही थी अब ये नतीजा आया है। तो आपको फिलहाल बता देते हैं कि सबसे बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को राजस्थान में 10 लाख रुपए के आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का ऐलान किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या फैसला हुआ है। सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अपन ने 50 की मांग की थी, 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देंगे और इसका कच्चा झोपड़ा है, ये फॉर्म भरेगा तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थानेदार को यहाँ से अभी हटा दिया गया है और जांच करने के बाद थानेदार की लापरवाही पाई गई तो उसके सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे उस पटवारी को यहां से हटा दिया गया है और अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए एक टीम जयपुर से आएगी, स्पेशल टीम, और एक जिले की टीम होगी जो बाकी के अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। आवास में तो इस वक्त यहाँ से करौली जिले से सबसे बड़ी खबर है जो पंडित जी के इंसाफ की मुहिम चलाई जा रही थी उसमें बातचीत के बाद कुछ नतीजा निकला है। आपको बता दें कि फिलहाल कुछ मांगे मानी गई है लेकिन अभी पंचायत में ये फैसला होना बाकी है कि इन मांगों पर फैसला क्या रहे या कहें कि इन मांगों के बाद अंतिम संस्कार किया जाए या नहीं। आपको बता दें कि पंडित जी का जमीन की विवाद को लेकर यहां जिंदा जला दिया गया, शव गांव में पहुंचे, 22 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। लगभग 1 बजे डीएम और एसपी यहां बातचीत करने के लिए आए थे, शुरुआत में कोई भरोसा नहीं दिया गया और यहां जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से ये घोषणा की गई कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो पंडित जी के पार्थिव शरीर को लेकर
जयपुर तक मार्च किया जाएगा। उसके बाद एक घंटे की मोहलत और दी गई और नतीजा ये निकला कि अब यहाँ इस मंच से ऐलान किया गया है कि दो मुख्य मांगे मानी गई हैं, 10 लाख का मुआवजा, यहाँ के स्थानीय SHO का ट्रांसफर और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास। तो ये बड़ी बात है। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि 3 दिन पहले की एक घटना है जहां जमीन के विवाद को लेकर एक पंडित जी का स्थानीय दबंग से झगड़ा हुआ। दबंगों ने पंडित जी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, उन्हें घायल अवस्था में। पवन, लौटते हैं आपके पास। पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य हमारे दो संवाददाता इस वक्त करौली में मौजूद हैं। राजस्थान सरकार ने मामले को बढ़ता देखकर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी परिवार तैयार नहीं है। मनीष वहीं पर लोगों के बीच में। मनीष, ये बताइए कि अभी और क्या चाहते हैं यहां पर लोग, इंसाफ के तहत क्या तकाजा है इन लोगों का? देखिए फिलहाल अभी जो मैं आपको खबर दूं उसके मुताबिक ये है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से ये ऐलान किया है कि ये धरना समाप्त हो रहा है। सरकार से जो बातचीत हो रही थी उसमें कुछ मांगे मानी जा रही हैं। जयपुर से एक टीम यहां पर आएगी जो जांच करेगी और 10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ कुछ समय मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत देर हुई, देर किस लिए हुई और क्या मांगों पर सहमति बनी है? हुई कि सरकार निकम्मी है, सरकार संवेदनहीन है। इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने 40 घंटे ले लिए और मांग ये मानी है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख देंगे, उनके बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपए का मकान पक्का बना के देंगे और थानेदार को हटा दिया गया है, जांच के बाद उसको सस्पेंड कर देंगे, पटवारी को भी हटा दिया गया है और दो टीम, एक जयपुर से आएगी एक यहाँ की आएगी, जो जांच करके बाकी के 5 अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। जो परिवार है उससे बातचीत हुई है, वो संतुष्ट है, क्या दाह संस्कार आज ही होगा? गांव वालों ने परिवार वालों से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था गांव के पटेल जो फैसला करते हैं वो हमें मान्य है, गांव के पटेलों के फैसले के हिसाब से ही मैंने ये घोषणा की है, इसलिए आज ही दाह संस्कार होगा। धरना भी समाप्त। देखिए धरना समाप्त हो गया है और दाह संस्कार अभी होगा, पंच पटेलों ने फैसला लिया है। बड़ी खबर है जो इंडिया TV लगातार मुहिम चला रही थी उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं सहमति बन गई है और अब जो पंच पटेल यहां पर मौजूद थे वो तमाम पंच पटेलों ने फैसला लिया है, आप देखिए। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से यहां पर घोषणा की है कि 10 लाख मुआवजा मिलेगा, जयपुर से टीम आएगी, जांच करेगी, जो अधिकारी था उसको सस्पेंड किया जाएगा, PM आवास योजना के तहत जो झोपड़ा था उसमें पूरा एक फॉर्म भरना होगा, उसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके साथ इन तमाम सहमतियों के साथ ये धरना खत्म हो रहा है और दाह संस्कार भी आज ही होगा। इस पूरे मामले में 40 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी है और जैसा कि परिवार लगातार कह रहे थे कि जो पंच पटेल कहेंगे उसी के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा और उसी आधार पर ही सारी कार्रवाई की जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ है। पंच पटेल भी मान गए और अब यह देखा जा सकता है कि जो तमाम लोग थे यहां पर, किरोड़ी लाल मीणा ने मंच पर आकर ऐलान किया और उसके बाद यहां पर धरना खत्म है और थोड़ी ही देर में पुजारी का दाह संस्कार किया जाएगा। एक बार जरा आपके साथ मनीष, जो लोग खड़े हैं उनसे बात कीजिए, क्या ये सब लोग संतुष्ट हैं जो भी मांगे मानी गई हैं उसके बाद, और या अभी भी ये चाहते हैं कि कुछ और परिवार के लिए किया जाए? देखिए बिल्कुल तमाम लोग मौजूद, आप लोग संतुष्ट हैं जो भी मांगे रखी गई हैं या अभी चाहते हैं कि और भी कुछ किया जाए, आप क्या कहते हैं? अभी देखो पंच पटोलों ने और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं सरकार के प्रतिनिधि, उन्होंने 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। अभी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, क्यों? संविदा पे नौकरी लगा रहे, संविदा पे वैसे लग जाता है आदमी, सरकारी नौकरी चाहिए। संविदा पे नौकरी लगाने का मतलब है 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी हटा सकते हैं उसको। संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है यहाँ पर। नहीं है क्या संतुष्ट? कोई भी नहीं है? ये सर पर लीपा पोती की गई है मांगों को रख के। आप क्या क्या कहते हैं भाई, अगर ये फैसला लिया है कुछ मंच पे काम? नहीं तो ये चीज सही नहीं है, ये क्या करना चाहेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं, ये अपना यही बोल सकते हैं कि अपना गवर्नमेंट उसको मतलब फिक्स एक नौकरी दी जाए, परमानेंट नौकरी दी जाए। पंच पटेलों का फैसला कहा जा रहा है, पंच पटेल उसके घर को नहीं देखने वाले, कभी उसको भोजन नहीं देने वाला, आज 3 दिन हो गया, उसके घर वालों को किसी ने नहीं देखा है। पंच पटेलों की बात मानते तो अगर ये गाँव में जो लड़ाई हुई ये होती ही नहीं आज। कितने लोग सहमत नहीं है आप लोग ये
बताएं कौन तो कोई भी सहमत नहीं है, कोई सहमत नहीं है, लीपापोती चल रही है, ये लीपापोती चल सब बिल्कुल लीपापोती चल रही है ये, कोई भी नहीं माने। ये लोग ने किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया अपना नेता बना के यहाँ पर, उन्होंने तो मंच से ऐलान किया है कि सरकार के साथ जो वार्ता हुई है, जो ग्रामीण सरपंच है उसने ही बोल दिया है, तब तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। फिलहाल अभी मैं आपको बताऊं कि अभी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी है, दो गुटों में अलग अलग मतभेद है। हालांकि अभी किरोड़ी लाल मीणा ने एक मंच से तो कह दिया है कि सहमति बन गई है, धरना समाप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ जो दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो गांव के कुछ अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ लीपापोती की जा रही है, सरकारी नौकरी चाहिए, संविदा पे नौकरी नहीं चाहिए। नहीं, ये बताइए मनीष, ये बताइए, बड़ी अजीब सी बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई, वारदात हो गई, धरना दे दिया गया, पुजारी का शव को रखकर के प्रदर्शन हो रहा है, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया परिवार ने, वहां सरकार का कौन आदमी है, कोई मंत्री कोई नेता सरकार की तरफ से क्या वहां पर आया इन लोगों को समझाने के लिए, इनकी मांगे सुनने के लिए? विपक्ष के लोग आकर के धरना खत्म करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं आया। पहले दौर की वार्ता दोपहर को हुई थी, वो खत्म हो गई और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि कोई डेलीगेशन आए, लेकिन डेलीगेशन आया ही नहीं। विपक्ष की टीमें यहाँ पर आ गई, किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर बैठे हुए थे, कोई डेलीगेशन तो सरकार की तरफ से आया कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं। तो फिर कैसे आप लोग मान रहे हैं कि भाई ये बात हो गई है? सब किरोड़ी लाल जी ने बोला है ना, विपक्ष में से कोई भी, कांग्रेस का भी एक भी नेता नहीं आया अभी तक यहाँ पर। फोन पे बात हुई, फोन पे बात हो सकती है इनकी, जगह सिर्फ 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उनको, और अभी तो कहा है कि 50 लाख दिया जा रहा है। नहीं नहीं, 10 लाख रुपए की बोला उन्होंने, लाख का कहा है, 50 लाख का फैसला आगे नौकरी की बोला था, उसमें वो टेम्परेरी नौकरी दे रहे हैं, वो भी संविदा बेस पे, एक महीने बाद हटा देंगे। आप जानते हो ना संविदा नौकरी का मतलब। सरकार की तरफ से कोई आया नहीं तो आप लोगों ने फिर किसकी बात सुनी है, किसकी मानी है, किस तरीके से डिसीजन सुनी है? किरोड़ी लाल जी की सुनी है, सिर्फ किरोड़ी लाल, ये तो विपक्ष के नेता है, उसके अलावा कोई नहीं आया उसके अलावा, नहीं उसके अलावा। देखिए कुल मिला के सौरभ यही स्थिति है कि इन्होंने एक नेता अपना तय किया, किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आके बातचीत कर रहे थे, विपक्ष का डेलीगेशन आया, पंच पटेलों ने अपना फैसला लिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है। और इन लोगों की बात, जो सरकार की कोई डेलीगेशन एसपी कलेक्टर के साथ जो हुई हो उसके मुताबिक यहाँ पर फैसला लिया गया और किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से ऐलान किया। लेकिन अभी कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिलहाल हम सहमति नहीं मानते हैं, ये जो मांगे हैं ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है और समझी भी जा सकती है। लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो समझ में आती है कि भाई कोई सरकार की तरफ से आए, वहां लोगों की बात सुने, इतना जघन्य अपराध वहां पर हुआ। सोचिए एक शख्स को जो मंदिर का पुजारी था, धार्मिक व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, उसको जिंदा जला दिया गया जमीन के झगड़े में, और वहां पर अब तक सरकार की तरफ से कोई इनकी सुध लेने के लिए पहुंचा नहीं है, परिवार से बात करने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। हमारे साथ पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये समझौता स्वीकार नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आए और हमें आश्वासन दे, और सबसे बड़ी मांग यह है सरकारी नौकरी चाहिए हमें परिवार के एक सदस्य के लिए, कर दिया जाएगा और जल्दी उसके ऑर्डर निकाल दी जाएंगे। जी बिल्कुल, जहां मनीष खड़े हैं पंचायत के बीच, लोगों के बीच, वहां ये जरूर सकबुगाहट है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जॉब की बात ना हो। लेकिन हम जरा परिवार से पूछ लेते हैं, मैम 10 लाख रुपए की मदद और एक सरकारी आवास की बात हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या अब आगे का रास्ता निकलेगा, कैसे तय होगा? गाँव वालों ने कर लिया, तो गाँव वालों ने क्या तय किया भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, क्या मानेंगे? अभी हमारी बस्ती माता के आदमी गए थे कलेक्टर साहब के उनके पास, उन्होंने मान कर लिया, ठीक है जो हो गया। तो इनका कहना है कि कलेक्टर के सामने यहाँ के जो बस्ती के प्रतिनिधि लोग गए थे उन्होंने मान्य कर लिया है, तो हमें भी मान्य है, तो परिवार की तरफ से हामी भरी जा रही है, वो इस मामले को और ज्यादा खींचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पार्थिव शरीर को यहाँ पहुंचे 22 घंटे का वक्त हो गया है, जिस बर्फ पर पार्थिव शरीर को लेटाया गया है वो पिघलने लगी है, सरकार का दिल पिघलने में भले ही 22 घंटे का वक्त लग गया हो, कुछ ऐलान होने के लिए इतना लंबा वक्त लग गया हो, लेकिन परिवार अब चाहता है कि अंतिम संस्कार किया जाए, उन्हें ये बात स्वीकार है। आपको बता दें कि समाज की तरफ से भी 5 लाख की मदद की गई है और 5 लाख और देने की बात की जा रही है, तो इस तरीके से इस परिवार को एक संविदा की नौकरी या कहें कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी ऑफर किया गया है और परिवार इस बात से फिलहाल सहमत नजर आ रहा है। सौरभ, चलिए ऐसा लगता है कि जो समुदाय के लोग थे, समाज के लोग थे, उन्होंने जो बीच बचाव किया है, उन्होंने ही शायद प्रशासन से बात की है, और अभी जो पंचायत चल रही थी, अब चूंकि देखिए गांव का मामला है और गांव में पंचायत जो होती है उसका कहना, पंचायत का निर्णय या पंचायत का सुझाव बहुत मायने रखता है, तो पंचों ने मिलकर के किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में जो कुछ वहां ऐलान हुए उस पर स्वीकृति जाहिर कर दी है, और शायद परिवार चूंकि बहुत साधारण परिवार है, सीधा परिवार है, उन्होंने भी सब कुछ जो है अपने समुदाय समाज के ऊपर, पंचायत
पंचायत के ऊपर छोड़ दिया था और पंचायत ने जो फैसला वहां करवाया उसको वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सोचें इतनी जघन्य वारदात के बाद भी वहां पर कोई सरकारी डेलीगेशन ना पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। मनीष के पास एक बार हम फिर चलते हैं, वहां कुछ और नेता शायद लोग मौजूद हैं। मनीष क्या हो रहा है वहां पे अभी? देखिए आधा एकदम दो फाड़ में कहीं ना कहीं गुट जुट गया, आधे लोग नाराज होकर यहां से जा रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है जो फैसला है वो मान्य है पंचपटेलियों का, ये जो अपनी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो नहीं मानेंगे और यही वजह है कि हम यहां से जा रहे हैं। तो आप बाबूजी जा रहे हैं, आप लोग क्या आप गांव से जा रहे हैं आप लोग? अब तो आधे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जब बिल्कुल लिया डोलो बस, वो तो कह रहे हैं कि फैसला मानने हम नहीं माने। अरे भाई साहब तेरा हाथ नहीं माना जे, कोई जवाब नहीं हमारे पास, नहीं माना जे तो रह जाएगा, जिन माने जाएगा जिन माने जा रहा है बस। नाराजगी इन लोगों की इस बात पे है क्योंकि आधे लोग फैसला मान गए हैं पंचपटेलों के, आधे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं गांव के वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और यही वजह है कि अलग अलग भीड़ है, आधे लोग यहाँ से उठ के चले जा रहे हैं। आप वो लोग तो मान नहीं रहे, आप लोग मान गए हैं कि नहीं मान गए? नहीं बिल्कुल, घर वाले परिवारजन उनके और जो धरना पे हमारे नेता बैठे थे तीन तीन सांसद दो दो तीन तीन पूर्व विधायक सब लोग सहमत हो गए उनकी सहायता राशि से न्याय के लिए और सुरक्षा के लिए जो भी वादे किए हैं एश्योर किया है, लिखित में आश्वासन दिया है जिला प्रशासन ने, जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार ने, उससे परिवारजन भी सहमत हैं और धरना स्थल पर जो पंच पटेल हैं जिनके डिसीजन से धरना हुआ और उन्हीं के डिसीजन से धरना समाप्त हुआ। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे ये गलत, कौन कह रहा है? कोई कह ही नहीं रहा है। देखो बात उसकी मानी जाएगी, व्यक्ति से किसी से मतलब नहीं है, पंच पटेल हमारे यहाँ प्रमुख होते हैं गांव में, पंच पटेलों ने बोल दिया कि अंत्येष्टि की जाएगी उसकी लाश पे, उसको और भी लाश को खराब करने नहीं दिया जाएगा, चार पांच दिन से वो परेशान है। देखिए पंच पटेलों का फैसला ही मान्य है जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, इसलिए अलग अलग देखिए तमाम लोग बातें कह रहे हैं और अभी फिलहाल जो लोग हैं वो आधे जो दड़ा जो अलग गांव से आए हुए थे पंच पटेलों के साथ वो यहां से रवाना हो गए। आप लोग जो फैसला दिया है उसके लिए संतुष्ट हैं? आप मानते हैं कि पंच पटेलों का फैसला सही? क्या करें, गवर्नमेंट का फैसला है ये तो मानना पड़ेगा ना। हाँ। भाई अब इसमें कैसे अब और क्या कर सकते हैं, रात हो गई दो बजे, इतनी देर से बैठे हुए थे, अब साहब जो फैसला हो गया उसी को मानना पड़ेगा, जो हमारे इन्होंने किया है प्रतिनिधियों ने उसी के हिसाब से। मजबूरी किस बात की? मजबूरी ये है कि भाई प्रशासन ने कोई ध्यान तो दिया नहीं, कोई गहलोत भी नहीं आ रहा, कोई सरकार नहीं आ रही, विपक्ष की जो टीम आ रही उसने हमारी बात आके सुनी, जो कुछ उन्होंने फैसले दिए वही मान रहे हैं। पंच पटेलों ने देख लिया बॉडी को ज्यादा देर रखेंगे तो नुकसानदायक है, तो ये बात का पांच फैसलों का यही करना पड़ेगा और क्या करें, चार दिन से परिवार भूखा है, ना गहलोत सरकार आई ना गहलोत सरकार कोई एक आदमी आया तो फिर क्या करेंगे? मंत्री जी नहीं आए, रमेश मंत्री जो है, जब मंत्री नहीं आ सके यहाँ का एक एमएलए है वो, तो बताओ और कौन क्या है। बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही कि एक मजबूरी है और इस मजबूरी में कहीं ना कहीं जो टर्म और कंडीशन रखा गया है उस टर्म और कंडीशन को मानना पड़ेगा, क्योंकि चार दिन से परिवार ने खाना नहीं खाया, शव वैसे के वैसे ही रखा हुआ है, ना कोई सरकार का मंत्री आया है ना कोई नेता आया है, और ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष ने मोर्चा साधा भी है, कोई नेता आया भी है तो उसके मुताबिक जो मांगे मानी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में यही मांग मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, और यही वजह है कि तमाम लोगों में नाराजगी भी है, तो लोग यहां से उठ के जा भी रहे, कह रहे कि अब पंच पटेलों ने फैसला ले लिया है तो अब हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन नाराजगी एक बात की जरूर है कि सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से कोई मंत्री कोई नेता यहां पर आता आश्वासन देता, यही बात किरोड़ीलाल मीणा की जगह सरकार का कोई नुमाइंदा अगर मंच पर आकर कह देता तो ज्यादा खुशी होती और उस बात की ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा होती, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति में कुछ हुआ नहीं है तो जो अब फैसला पंच पटेलों ने लिया है वही सर्वमान्य होगा। ये बड़ी मैं बार बार कह रहा हूं बड़ी विचित्र सी परिस्थिति देखने को मिल रही है कि एक जगह जहां मांगे सरकार से थी वहां विपक्ष के नेता जाकर के सुलह सहमति करवा रहे हैं, विपक्ष के नेता वहां पर लोगों को मदद भी दे रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत करने का जिम्मा भी विपक्ष ने ले रखा है, ऐसा आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। होता यह है कि जिले की जहां पर कोई ऐसी घटना हो जाए, कहां कोई वारदात हो जाए, किसी के परिवार का कोई चला जाए तो जो स्थानीय नेता होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं या सरकार के मंत्री एमएलए सांसद वो वहां जाते हैं, ऐसा यहां कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पवन भी वहां पर मौजूद हैं। पवन, परिवार ने ऐसा लगता है कि मजबूरी में शायद समझौता कर लिया है, क्योंकि एक तो साधारण गरीब परिवार है, उनको इस वक्त लग रहा है कि जो मदद मिले कम से कम आगे परिवार का भरण पोषण तो हो। जी सौरव, बिल्कुल आपको समझना होगा कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ बर्ताव रहा, कल शाम को पार्थिव शरीर घर पहुँचाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूरी पिक्चर से गायब था, जब विपक्ष के नेता यहाँ आए, यहाँ जनता जुटी और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इस पार्थिव शरीर को लेकर जयपुर तक जाएंगे और दो घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तब जाकर यहाँ के स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की कानों पर जूरेंगी। तो कहीं
कहीं ना कहीं आंखें बंद थी, कान बंद थे और सोचने की शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन की बंद थी। उनका सीधा रवैया ये था कि देखते हैं कब तक वो पार्थिव शरीर को ऐसे रख पाएंगे। और जब दबाव बनाकर ये बातचीत के लिए बुलाया गया तो डीएम और एसपी 1 बजे पहुंचे। कल शाम को 6 बजे पार्थिव शरीर पहुंच गया था, यानी 18 घंटे बाद। और दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, यहां परिवार के घर के झोपड़ी के ऊपर, वो ऊपर पीली बिल्डिंग है, वो सरकारी स्कूल है, वहां पर डीएम और एसपी आए और यहां से 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया। वहीं बातचीत हुई, वहीं बातचीत में कोई सहमति नहीं बनी, फिर टाइम बढ़ाया गया और फिर वहीं से फैसला आया। सोचिए, जिले का डीएम और एसपी परिवार के पास संवेदना जताने के लिए भी नहीं आया, तो इससे निष्ठुर प्रशासन क्या होगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो 10 लाख की मदद ले रहे हैं तो परिवार को लिए लग रहा है कि कुछ मदद मिली। हालांकि ये सफिशिएंट है या नहीं है ये परिवार का कमेंट हो सकता है, लेकिन प्रशासन का रवैया इनसफिशिएंट है ये जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वही प्रशासन है, वही पुलिस है जिसने पहले ये घोषणा की थी कि पंडित जी ने खुद आत्मदाह किया है। बाद में उनके डाइंग डिक्लेरेशन आने के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हुई कि उनकी तेल डालकर हत्या की गई थी। तो अपने आप में बहुत सारी विडंबनाएं एक साथ यहां पर हैं। और सोचिए, ग्रामीण परिवेश में जहां पार्थिव शरीर घर पर रखा हो, अर्थी जब तक ना उठे चूल्हा ना जलता हो, परिवार की 4 महिलाएं अस्पताल बेहोश पहुंच गई हो, तो कितनी विकट स्थिति में, किस आर्थिक हालात के अलावा किस मानसिक स्थिति में परिवार होगा, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये और बताइए पवन, कि ये तो आपने बताया प्रशासन का रवैया वहां पर कितना उदासीन है, ये जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, क्योंकि कल तक खबर ये थी कि केवल एक आरोपी शायद पकड़ा गया था। जी, फिलहाल प्रशासन की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि कुल 6 आरोपियों में से 1 पकड़ा गया है, बाकियों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। एक्शन की जो बात हुई थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्थानीय एसएचओ को तुरंत यहां से हटा लिया गया है और कहा गया है कि जांच में अगर एसएचओ की संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा। ये जांच के एंगल पर किया गया भरोसा है, या कहें कि जांच पर दिया गया आश्वासन है, एसएचओ को तुरंत हटाया जाना और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी करना, ये आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसी तस्वीर की असली हकीकत ये भी है कि हत्या के बाद पहली गिरफ्तारी हुई, घटना को 3 दिन हो चुके, जब तक पंडित जी का देहांत नहीं हुआ तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और जब दबाव बढ़ा तो सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि स्थानीय विधायक यहां नहीं पहुंचे, और उनके यहां ना पहुंचने के पीछे की वजह जो हमें यहां से लोगों से बात करके पता चली वो ये है कि जो आरोपी हैं उन पर स्थानीय विधायक का हाथ है, और यही वजह है कि स्थानीय विधायक यहां सांत्वना देने तक के लिए नहीं पहुंचे, क्योंकि इस तरह के मामले में सबसे पहले पहुंचने वालों में स्थानीय विधायक होते हैं। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा पवन, विधायक तो वो व्यक्ति होता है जो जमीन पर लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, और कहीं कोई बात हो जाए विधायक सबसे पहले पहुंचता है। पूरे देश में कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो स्थानीय विधायक की मौजूदगी सबसे पहले देखने को मिलती है, और यहां इतनी बड़ी वारदात के बाद इतनी बड़ी पंचायत हो गई, हजारों लोग पहुंच गए वहां पर, लेकिन स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे और विधायक के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। मनीष, ये बताइएगा कि क्या पूरे इस प्रकरण को लेकर, पूरे इस हत्याकांड को लेकर विधायक के रवैये से भी नाराजगी है लोगों में? देखिए, बहुत नाराजगी है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सौरभ मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, रमेश मीणा यहां से विधायक हैं और यहीं सपोटरा में ही अपने आवास पर मौजूद है रमेश मीणा, अभी तक के यहां पर नहीं आए। और ये लोगों की शिकायत है कि भाई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है इस मंच पर, यहां पर इतनी बड़ी पंच पटेलों के साथ पंचायत चल रही है, बातचीत हो रही है, लोगों के साथ यहां फैसला दिया जा रहा, तो वो आके क्यों ना ये फैसला करते, क्यों ना वो आते, वो इस तरीके की तमाम आश्वासन देते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या वजह रही कि विपक्ष के नेताओं को यहां पर आकर मोर्चा संभालना पड़ा है और सरकार का कोई नुमाइंदा ही नहीं आने को तैयार है, और इसीलिए नाराजगी भी रही है। लेकिन चूंकि इस गांव में एक ये फैसला लिया जाता है कि आखिरकार अगर पंच पटेल जो फैसला लेंगे वही सर्वमान्य होगा, और ठीक वैसा ही हुआ है, और ये वजह है कि तमाम लोग चले गए, तमाम लोग कुछ अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे यहां पे तमाम लोग हैं, अभी फिलहाल जो पंच पटेलों के द्वारा जो फैसला लिया गया, अब आप उसी को मान रहे हैं, आप क्या कहते हैं, सही है ये?
सही है साहब। आप नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से कोई आता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ना नेता आया ना आपका स्थानीय विधायक आया। नहीं नहीं सही है साहब, जो फैसला हमने मैन करियो पंच पटेल ने तो यहाँ पे आया नहीं जिसको चुनाव दे के आपने। हाँ विधायक नहीं आया, नहीं आया, नाराजगी है क्या? क्या पता साहब इसे, तो वो तो सरकार को पता साहब, कहीं पता नाराजगी उड़ गई। अब हमारे पास बात कौन कर पीछे वोट कौन दे देखिए, यही सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या वजह है भाई कि यहाँ से विधायक जो है वो घर पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया। अशोक गहलोत लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तमाम उनके नेता बयान जयपुर में बैठ के दे रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लेने के लिए आया, कोई बात करने के लिए नहीं आया, और अब मजबूरी उनके पास है, शायद अब कोई चारा नहीं बचा है, तो जो फैसला माना गया है वही करना पड़ेगा, अन्यथा उसके आगे क्या चारा हो सकता है। तो इसीलिए नाराजगी लोगों में जरूर है, लेकिन अब इंतजार है कि जो पीड़ित परिवार है वो पुजारी और उनका दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि कई लोग जो आसपास के गांव से भी जो यहां पर आए थे वो पंच पटेलों के फैसले के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं। चलिए ठीक है पवन और मनीष, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास हम फिर लौट रहे हैं, लेकिन आप देखिए सियासत के नाम पर बड़े बड़े वादे होते हैं, लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए जाते हैं। यहां राजस्थान के करौली में जहां गहलोत सरकार है वहां पर एक साधु को जिंदा जला दिया गया, कार्रवाई के नाम पर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, 6 में से बाकी सब फरार हैं। आश्वासन के नाम पर बहुत कुछ, देने के नाम पर कुछ नहीं। एक सरकारी नुमाइंदा मौके पर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई नेता, कोई मंत्री संतरी, कोई विधायक सांसद, कोई मौके पर आपको खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे दो रिपोर्टर हैं, सैकड़ों लोगों से वो बात कर रहे हैं, परिवार के बीच में वो खड़े हैं, पंचायत का सारा हाल उन्होंने आपको दिखाया, कहां है सरकार? यही है सबसे बड़ा सवाल। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।